तो गाइज आज हम लोग तैयार हो चुके हैं, नहा धो के। आज स्वाति भी नहाई है, पता है क्यों? क्योंकि आज ये जा रही है अपने घर, अपने मायके। देखो कैसे सज धज के, जरा ससुराल में नहाती नहीं है, मायके में नहा के जा रही है। कहाँ नहाती तू? मैं महीने में एक बार। अब वॉशरूम के अंदर आप कौन से देख रहे टूटा हुआ गेट, मेरा मन करे तो देख सकता हूँ, लेकिन हो? नहीं। जब बहू अपने ससुराल से मायके जाती है तो मुहावर लगाती है। मावर देखो इधर, वेरी गुड, जल्दी आओ। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, थक गए बहुत, भागम भाग आए। तो आने वाला है इटावा। तो जैसे ही बस से उतरने वाले थे तो बस में ही हमें दो सब्सक्राइबर मिल गए, थैंक यू मैम। गए सामान खसीचते खसीचते। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। आ जाओ पापा। तो आ गए हैं घर पे। दीदी नमस्ते। कौन चला रहे? घबराए गए? डर गए थे बाबू? घबरा गया ही एकदम। तो गाइस घर पे आ चुके हैं, लेकिन रजत घर पे है नहीं, वो गया है कोचिंग और 6:30 बजे आएगा वो, तो हम छुपेंगे और उसको धक्का देंगे, जैसे अभी हमने युग को डराया था वैसे उसको डराएंगे। तो गाइस ब्लॉपर हो गए हम, मैं और स्वाति ने बैग छुपा दिया था और हम खुद छुप गए थे, फिर भी उसको पता लग गया, पता नहीं कैसे। कैसे पता लगा? जूते जूते तो छुपा देते, हमने जूते नहीं छुपाए, वो समझ गया हम आए हैं। देख वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बॉय है ये, पांचवी क्लास में ये 12 साल से। मैं आपके कोने कोने पे ख्याल रखता हूँ। कोने कोने पे? जूते पे मैंने ऐसे पहचान लिया। अच्छा ये आपका जूता। नाक में कितने बाल है मेरे बताओ? 10। ओहो, इसे ये भी पता है, वेरी गुड। ये कितने बिस्किट खा लिए? इधर बैठो चुपचाप, इधर आओ। कितने बिस्किट खा लिए? खाने दे यार। कितने और खाओगे? जितने प्लेट में है। तो गाइस आज मेरे मतलब साले साहब ने बोला था कि इसको पिज्जा खाना है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो कैसे झूम रहा है, झूमो झूमो, पहली बार खा रहे आपके। अच्छा मतलब मेरे पैसों से पहली बार खा रहे हो? तो गाइस आज जो हमारे जोमेटो वाले आ रहे हैं, तो आज हम उसको देखते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, आज उन्होंने कितना कमाया है, आज उन्होंने पूरे दिन में जितना रुपया कमाया होगा, तो आज मैं उनको उसका डबल दूंगा आपके सामने, ठीक है? अगर आज उन्होंने सुबह से शाम तक 1000 कमाए तो मैं उनको 2000 दूंगा, अगर उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक 500 कमाए तो मैं उन्हें 1000 रुपये दूंगा। तो वो एकदम शौक हो जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि पहले उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, अगर उन्होंने बता दिया कि मैंने इतना कमाया है, दिखाऊंगा भी सबूत कि उन्होंने इतना कमाया है, और अब एकदम से उन्हें हम सरप्राइज देंगे और देखते हैं वो खुश होते हैं या नहीं। रजत कह रहा है अगर उसने 5000 रुपये कमाए होंगे तो, मैंने कहा फिर मैं ब्लॉग ही नहीं डालूंगा। तो गाइज अब हम जा रहे हैं जोमेटो वाले भैया के पास, क्योंकि हमने यहाँ पे फौजी जनरल स्टोर का एड्रेस दिया है, क्योंकि यहाँ पे अभी इनके जहाँ स्वाति का घर है वहाँ पे मकान नंबर नहीं आए हैं, अभी अलॉट नहीं हुए, तो इसलिए चलते हैं फौजी जनरल स्टोर, वहाँ पे देखते हैं जोमेटो वाले भैया खड़े हैं। तो हमारे जोमेटो वाले भैया आ गए हैं, थैंक यू सर आने के लिए, भूख लग रही थी बहुत जोर की। अच्छा जाने का क्यों परेशान करें हम, अभी तो हमें और अंदर जाना उसके फौजी और अंदर जाना। भैया मैं ना यूट्यूबर हूँ, तो वीडियो बना सकता हूँ, दिक्कत नहीं है, तो आपसे कुछ पूछना भी था अगर इजाज़त होता। पहला तो इसके ऑर्डर के पैसे तो मैं दूसरा तो काम।
ये बोलना था, आज आपने मतलब सुबह से कितने ऑर्डर कर दिए? पहला ही ऑर्डर मैंने बोला था अच्छा, तो मतलब आप पूरे दिन में कितने अर्न कर लेते? अभी तो स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से। अच्छा अभी स्टार्ट करिए तो एक ही दो मिलता। तो सर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। तो गाइज मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ऑर्डर देने आ रहा है उनका पहला ऑर्डर हो सकता है आज का, तो मैं अपनी तरफ से सर को, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को पहले, अरे कहाँ गए पैसा लगता कर रहे मैंने ये बोला था सर, मैं जब वीडियो बनाने के लिए निकला था घर से तो मैंने उनको ये बोला था कि जितने आप पूरे दिन में अर्न करोगे उसका मैं आपको डबल दूंगा। तो आज का तो पहला ही ऑर्डर है तो भैया को नुकसान हो जाएगा, तो हम भैया को नुकसान नहीं होने देंगे भैया ये मेरी तरफ से, क्योंकि सर्दी में आप काम करते हो। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, अरे सर कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई बात सर मैं प्लीज समझा लूँगा। अरे सर क्यों नहीं लगा, अरे यार तो कमाल कर रहे हो सब, अरे सर मैं कह रहा हूँ किसी गरीब की मदद कर देना। अरे हम खुद ही कमा रहे हैं। नहीं ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ सर, जो मतलब नीडी है ना तो ये आप दे देना सर, आप देना। तो भैया की मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, भैया ने ये बोला कि मैं ये पैसे नहीं लेता, मैं खुद मेहनत करके कमा सकता हूँ, तो ये 1000 रुपये मैं जरूरतमंद को दूंगा आप लोगों के सामने। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा। तो चलते हैं, बच गए पैसे, नुमाइश घूमेंगे। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और यूनुस नाम था भाई का, और क्या बंदा था यार, मैं मान गया यार। पहली बात तो मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा था, और एक्सपेरिमेंट नहीं था ये, मैं सच में ऐसा करने वाला था, मतलब मेरे लिए ये एक्सपेरिमेंट था कि मैं पहली बार ऐसे जाके कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा भी रहा था कि भाई किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, लेकिन भाई यार हैट्स ऑफ है ऐसे भाई को, बंदे ने बोला कि मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ और ये आप नीडी पर्सन को दे देना जिसको ज़्यादा जरूरत है। तो चलो हम आपके ही सामने ब्लॉग में जाके देंगे, मैं आपको बताऊँगा, आप ऐसे ही ब्लॉग पर बने रहे। तो कल या परसों हम जाएंगे जिसको ज़्यादा जरूरत होगी ये देख के, हम उसको वो पैसे देंगे। और सबसे बड़ी बात, आज उनका पहला ऑर्डर था यार, उसके बाद वो चाहते तो वो पैसे लेकर अपने आज पूरे दिन आराम कर सकते थे, 2 दिन आराम कर सकते थे, लेकिन भाई यार कमाल यूनुस भाई। तो पिज्जा आ चुके हैं, पिज्जा खाएंगे, ये खाओगे? जल्दी निकालो जल्दी, ओए इधर एक दो मेरे, इधर इधर इधर, हाँ। तो पिज्जा का लुफ्त उठाते हैं, गरम गरम पिज्जा है, ये ले बाबू खाओ, तुम ये बिना मिर्च वाला खाओ, लो खा, मिर्च नहीं है इसमें, मिर्च इसमें है, ये देखो, चलो खाना खाए, मुझे पता था भाई, चलो ये 2 पिज्जा अकेले खा गया, 2 नहीं डेढ़, हाँ डेढ़, एक पीस छोड़ा था, हाँ, और खाना खाते समय आवाज ना आ जाए किसी भी प्रकार की, बस मुंह से आएगी, और कहीं से नहीं आई। तो गाइस खाना खाने का टाइम हो गया, रेल की दाल बनी हुई है, चावल रोटी सब्जी प्याज भी आज, क्या बात है। तो आ जाओ, जिसको खाना बाद में मत कहना बुलाया नहीं। मेरे दो अन्ने मोली रतन, एक है राम, तो छोड़ो इसका तो रहने दो। तो गाइस वीडियो को, अच्छा अच्छा लग गई, ये है कबाब में हड्डी, और ये तो सूखी हड्डी, ये सूखी हड्डी मेरी बोटी, अरे जाओ हा? तो गाइस यार मेरी बनियान ना दिखाओ, 15 रुपए वाली, मेरी 15 रुपए वाली बनियान ना दिखाओ, रुक जाओ, तो गाइस अरे 1 मिनट यार एंड करने दो। तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कैसी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लव यू ऑल। और कैसा लगा आपको यूनुस भाई का बिहेवियर, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, और कमेंट करके बताइए, मेरा पहली बार था जो मैं ऐसे किया, अगली बार से मैं और भी मतलब लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, भगवान ने मेरे को थोड़ा बहुत दिया है तो हम भी अब सबको देंगे। तुम क्या देख रहे थे? मुझे भी स्वाति गुस्सा होगी, क्यों गुस्सा होगा? अच्छा बोलो, मुझे भी ऐसा, बोलो 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 जल्दी बोलो, बोटी बोलो, बोटी है ये मेरी बकरी की बोटी, बुकरिया। सब बोलो, सब कुछ है, सब कुछ है जी, सब कुछ है, भैंसिया।